इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको। भाजपा के सांसद बड़ो गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि सही समय पर सही फैसले ना लिए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। ठोस रणनीति और कूटनीतिक कार्यवाहक करें, इनकी सुरक्षित वापसी पर इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी parents हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20,000 से 30,000 बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।